हेलो गाइस, सीएसएस पीएमएस गुरु में आप सबको खुश आमदीद। हम सोशल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट के बीच जो फ़र्क होता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट में मेन फ़र्क क्या होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन में जो होता है वो ओवरटेकिंग ऑल राइवल्स, मतलब जितने आपके मुकाबले के जो लोग होते हैं, जिनसे आपका मुकाबला होता है, जिनसे आप कंपटीशन करते हो और वो आप उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हो, उनको पीछे धकेलने की कोशिश करते हो और ख़ुद आगे निकल के जाना चाहते हो, और जो काम आप करते हो ख़ुद पे ही लगाते हो, आप कोशिश करते हो किसी तरीके से मैं आगे निकल जाऊं, और उनसे आपका काम नहीं होता है और आप ख़ुद पे ज़्यादा ज़ोर लगा के, ख़ुद पे ज़्यादा मेहनत करके, ख़ुद हार्ड वर्क करके आप आगे निकलने की कोशिश करते हो, उनको पीछे रह जाते हैं, उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हो। जो कन्फ्लिक्ट जो होता है उसमें आप ख़ुद पे काम करने के साथ साथ उनको भी वीक करने की कोशिश करते हो, उनको भी एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो, उनको भी फिर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हो। ठीक है, कंपटीशन में आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाते हो बल्कि ख़ुद पर ज़्यादा काम करके, ख़ुद मेहनत करके आगे निकलने की कोशिश करते हो, लेकिन कन्फ्लिक्ट में उनको फिर वीक करके, उनको एलिमिनेट करके आप आगे निकल जाते हो और ख़ुद पे ज़्यादा काम करने के बजाय आप उनको वीक करने की कोशिश करते हो। और जो कंपटीशन होता है वो कॉन्शियस होता है और या अनकॉन्शियस भी होता है। सपोज़ इसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल ये दे दूं कि आप अगर आप अभी सीएसएस या पीएमएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो एक लिहाज से आपको अनकॉन्शियस भी है और कॉन्शियस भी है, और आपको इस बात से अवेयर भी हैं कि मेरे कौन से राइवल्स मेरे अगेंस्ट आ रहे हैं। जब आप किसी एक रेस में ही या दूसरे क्रिकेट मैच में ही आपकी कंपटीशन जब किसी के साथ होती है तो आप उससे अनकॉन्शियस नहीं होते, आप कॉन्शियस होते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो कंपटीशन में जो हैं वो उनका आपको पता है। और इसका एग्ज़ाम्पल आप अगर सी एस एस पी एम एस से ले लें तो आपको ये पता नहीं होता है कि यार मेरे अगेंस्ट में कौन से लड़के आ रहे हैं, कौन से लोग आ रहे हैं, तो उससे आप अनकॉन्शियस होते हो। दूसरा आप इसका एग्ज़ाम्पल ये ले सकते हो कि जितने आप कंपटीशन करते हो उसमें बाज़े औकात आपको पता नहीं चलता है, आप अनकॉन्शियसली वो करते हो, आपको ये पता नहीं होता है कि आप कंपटीशन कर रहे हो या कंपटीशन नहीं कर रहे हो। और कन्फ्लिक्ट में जो होता है वो ऑलवेज आप कॉन्शियस ही होते हो, आपको पता ही होता है कि आपने किसके साथ करना होता है और किसके साथ आपकी कन्फ्लिक्ट है, आप कितने किसको वीक करना होता है, आपने किसको एलिमिनेट करना होता है, इसलिए ये ऑलवेज़ कॉन्शियस होता है। और कंपटीशन जो होता है वो कंटिन्यू होता है, और कंपटीशन जो होता है वो कंटिन्यू रहता है, और जैसे ही आप दो राइवल्स इसमें से जो होते हैं जो वो कंटिन्यू ही रहता है टिल एंड तक। और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो नॉट कंटिन्यूस होता है और ये इंटरमिटेंट होता है, मतलब ये लोगों के बीच जब होता है ना, मतलब उनको वीक करने के लिए उनके इंटरमिटेंट होता है। आप इसको समझने की कोशिश करें, ये कंटिन्यूस नहीं होता है, मतलब जब आप किसी के साथ कंपटीशन करते हो ना तो उसको पीछे धकेल के ख़ुद आगे निकलने की जब कोशिश करते हो तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है, और वो चलता जाता है, चलती जाती है। और जब आप कन्फ्लिक्ट होता है ना उसमें आप आगे निकलने की कोशिश नहीं करते हो, ज़्यादा जो आपका काम होता है वो आप दूसरे को वीक करने की कोशिश करते हो, उनको एंटेगोनिस्ट होते हो, उनको फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, इसलिए आप उसमें इंटरमिटेंट होते हो, ठीक है, वो कंटिन्यूस नहीं होता है बल्कि इंटरमिटेंट होता है। अगर बंदे को आप एक ही उसमें आप उसको नुकसान पहुँचा के निकल जाओ तो वो फिर कंटिन्यूस नहीं रहता है, आप इसी तरीके से आगे नहीं निकल सकते। और कंपटीशन जो होता है वो मे लीड टू पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, जो कंपटीशन जो होता है वो नेगेटिव होने के साथ पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। अभी सपोज जब आप सीएसएस के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो तो आपको पता है कि आप कंपटीशन पे हो, तो इसी कंपटीशन की वजह से आप मेहनत करते हो, आप हार्ड वर्क करते हो, आप चाहते हो किस तरीके से आप निकल जाओ, आप सीएसएस क्वालिफाई कर लो और आप ये पोजीशन ले लो सिविल गवर्नमेंट में, तो ये कंपटीशन जो होता है आपको फिर एक पॉजिटिव चीज़ आपको मुहैया करता है, तो इसी तरीके से आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो, तो कंपटीशन आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है इस वजह से। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट होता है वो हमेशा आपको नेगेटिव ही रिज़ल्ट होता है, क्योंकि आप किसी फिज़िकली किसी को नुकसान पहुँचाते, उसको वीक करते हो, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो, तो वो फिर हमेशा आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स ही नेगेटिव रिजल्ट ही देता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है गाइस।
और अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।